ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन एंड आई मस्ट ओके अप्रिशिएट कि आप अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा प्ले कर रही हो कि हमें अनुजी से लगता है कि ओ अनुजी इमली से बहुत नफरत करती है. सो इन ओके टोटल मुझे शुरू से लेकर अब तक आपके बारे में सब कुछ जानना है. ज्योति जी को जानना ओके है जिन्होंने बहुत सारी कमर्शियल्स किए थे. मैंने आपको थोड़ा सा चब्बी देखा हुआ है, अभी आप बहुत स्लिम हो गए. टेल अस अबाउट यू. आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट से 23 ईयर्स. आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग. माई फर्स्ट एड वॉज फॉर जूनियर हॉर्लिक्स, वेर इट नीडेड रियल मदर्स. दे डिड नॉट वॉन्ट एक्चुअल मॉम्स. सो दैट वॉज माई फर्स्ट टीवी कमर्शियल. एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो टर्निंग बैक. आई हैव डन लाइक वेरियस 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 ब्रांड्स इन टीवी एड्स. एंड आई एम टच वुड, आई एम स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इवन नाउ. So, आप बहुत लोकप्रिय चेहरा एडवर्टीजमेंट के लिए. Yes, I touch wood. Yes, I am. It was like if you talk about detergents or you talk about hair products or whether you would talk about skin products, I have shot for most of the competitive brands. So I became an overexposed face where advertising was concerned, and then I had to look for an alternate. So I started with television, and that is around 11, 12 years back. My first show was on Colors Channel with Director's Cut Production, and the name of the show was Maat Pita Ke Charno Mein Swarg, where again I was the poster woman. Touch wood, like that has been a big break for me. And Yatin Karakar was my co-actor. Dheera Dhupar, who's right now doing Kundali Bhagya, he was playing my son. Prachi Chauhan, he was also playing my son. So that was my first show, and after that show, I've been doing a lot of shows continuously. ओके सो आपका ये जो नया शो है इमली, बहुत कम समय शो को एंड शो बहुत पॉपुलर हो गया है. एंड अनुजी राइट. सम डिफरेंट. अनुजी जो हर बात सही बोलती है, हर बात सही बोलती है. और इमली के लिए जो उसने बोला था, जो वो नफरत करती है, क्या सच में लोग आपसे मिलते हैं तो कहते हैं कि इमली से इतनी नफरत क्यों करते हो? मिलते हैं तो दे डोंट से दैट बिकॉज दे डू नो दैट वी आर राइटिंग व्हाट हैज बीन स्क्रिप्टेड फॉर अस. बट इंस्टाग्राम आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा हो गया है. सो व्हेन आई रिसीव इंटरेक्शंस फ्रॉम पीपल ऑन माय पोस्ट, सो समटाइम्स दे कीप ऑन टेलिंग मी कि मोस्ट ऑफ देम से कि आप जो कर रही है वो सही कर रही है बिकॉज यू आर साइडिंग योर डॉटर. एंड नो मदर वॉन्ट्स हर डॉटर टू फॉल इन द सेम पिट इफ द मदर हैज एक्सपीरियंस समथिंग इन द पास्ट. So it's like you are making a protective layer for your daughter. But then I do get, 10% or 20% of the audience who tells me that this is wrong what you are doing with Imli, and I don't think so you should do such things. But 80%, everybody says that, you are creating a protective layer for your daughter. And though you might be like, harsh on the words, but the mothers feel it comes out, and it the harshness is bound to be there because of the past experiences that Anu has had in her married life. So Exactly. I get mixed opinions from people, mixed views, but 80% ओके are happy. हैप्पी. मैं भी खुश Yes, हूं they क्योंकि are. मैं के लिए केयर करती हूँ. So see, you are in that 80% with me. यस. हाँ. सो शो को बहुत कम समय हुआ है, शो बहुत पॉपुलर है. एंड इस शो में आपको अनु का जो रोल मिला, क्या आपने अनु के लिए ही ऑडिशन दिया था? Yes, I did audition for this character, but I really had no clue कि ये character इतना strong है, and आगे चल करके इसका ग्राफ ही अलग होगा. आई हैड नो क्लैरिटी ऑन दिस. आई ऑडिशन उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो दे कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड मी कि इट्स मदर ऑफ द पैरेलल लीड गर्ल. अब जहां वो गर्ल की फैमिली के लिए बोलते हैं, सो इट्स लाइक द गर्ल विल गेट मैरिड एंड आफ्टर दैट द मदर हार्डली हैज एनी थिंग. इट्स जस्ट अ फोन कॉल, और मे बी जब वो उसके ससुराल जाती है बेटी को मिलने के लिए. मोस्ट ऑफ द डेली सोप्स, दैट इज वॉट इज लेफ्ट फॉर द गर्ल्स मदर, बिकॉज आई हैव डन एग्जैक्टली. शोज इन द पास्ट. सो वेन दे सेड गर्ल्स मदर, आई वॉज लाइक कि पता नहीं मुझे करना है नहीं करना है, बट आई सेड नो आई विल गिव द ऑडिशन. एंड आई गॉट फाइनलाइज फॉर इट. सिंस इट वॉज लॉकडाउन पीरियड, आई वॉज नॉट डूइंग एनी शो. आई सेड ओके फाइन,
I'll pick up the show. And also they told me, you know, that in case you get something else, we will adjust the dates. I was okay, fine. And I wanted to work with the production house because I have not worked with this production house. But I'm having a wonderful time and I'm very happy that I said okay. Yes for this role. And the graph of Anu Chaturvedi is like really, really nice in the show. Exactly. And when we see you in your real videos, तो ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा यंग हो मालिनी के मम्मी के हिसाब से. एकदम यंग सा चेहरा है, मम्मी पे कर रहे हो. So this is a compliment for you. Thank you so much. Okay, so जैसे हमने मम्मी की बात की है, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ. इन योर पर्सनल लाइफ आप क्या एंजॉय करती हो, आपके घर कौन कौन है, आप कहाँ की रहने वाली हो? ठीक है, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. एंड मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है. आपने रील्स में देखा होगा कि मैं ज्यादातर रील्स में वही म्यूजिक करती रहती हूँ. डांस का मुझे शौक है, इतने स्टेप्स नहीं आते हैं, बट आई लव टू प्ले विथ एक्सप्रेशंस. एंड आई नो दैट आई कैन प्ले विथ एक्सप्रेशंस बिकॉज आई हैव बीन इन एडवर्टाइजिंग फॉर सो मेनी इयर्स. एडवर्टाइजिंग, इट्स लाइक अगर 30 सेकेंड का एड है, द मॉडल इज जस्ट देयर फॉर 5 to 7 seconds, लेकिन वो 5-7 सेकेंड में she has to endorse the product, she has to convince the viewer who is looking at her that he has to buy the product. Obviously aapka product hi hero hai, but aap jab advertising mein itne saal aap bita lete hain, so you know how to play with expressions. So I love music, I like to dance also. And mere ghar mein I have twin boys, both my boys are grown up and they are working. So right now I'm a very chill mama. Okay. तो ये जो मामा है, एक समय में एडवर्टाइजिंग फील्ड में इतना जाना पहचाना चेहरा था, तो ये कैसे हुआ? मतलब पहला एड कैसे मिला और एड पे एड सभी आपको मिला? Okay. शुरू कैसे? Okay. I'll tell you. This is like I was very fond of looking seeing my children in TV. I never thought of myself to get into TV or look at myself as a model or an actress. So I used to take my children for auditions. That time we used to go to famous studio Mahalakshmi. I must have gone for various products of auditions that I was asked to get the children for. And every time I took the children over there, the production house, the casting person who was auditioning would tell me, "Ki ma'am, aap kyun nahi audition karte hain?" So I was like, me, I never thought about it, and I was very conscious. So I was like, nahi, mujhe nahi aata hai, mujhe nahi karna hai. But people have been very nice to me. It's like they taught me actually ki audition kaise kiya jata hai, profile kya hota hai, aapko kaise camera ko face karna hai, the angles that you should give. So I learned in this journey jo maine itna sara kaam kiya. My first ad was Junior Horlicks. I was very scared. It was like lot of people are looking at me, itne sare log jo light ke ird gird khare hain. मुझे हंसने के लिए भी आई वॉज वेरी कॉन्शियस, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. सो इट्स लाइक द डीओपी, द डायरेक्टर, द एडीज, दे वर ऑल टुगेदर लाइक दे वर बूस्टिंग मी, दे वर लाइक मैम ऐसा करना है, ऐसा करना है. वो एक दिन का शूट है ना, 3 दिन का शूट हो गया था मेरी वजह से. आई कुड नॉट डू इट, आई वॉज वेरी कॉन्शियस. बट ठीक है, वो एड मैंने शूट किया. उसके बाद में देन आई गॉट मोर एड जहां पर सिर्फ उन्हें चेहरा चाहिए था स्माइल करने के लिए. सो दैट वॉज वेरी इजी फॉर मी, कुछ ज्यादा करना नहीं था. आई गेव अ कपल ऑफ ऑडिशंस, लोड्स एंड लोड्स ऑफ ऑडिशंस, वेयर आई लर्नड हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू गिव ऑडिशंस. मेयर ऑब्जर्वेशन, माई ऑब्जर्वेशन हैज बीन लाइक कंटिन्यूसली, इवन राइट नाउ वेन आई सी सम serial, if I look at a particular character, I would look at the character, how he or she is performing, how differently I can also endorse my same expression if I can give it for another scene or another TV commercial if I get in hand. So it's mere observation, but shuru mein mushkil tha, lekin ek bar wo chakka chal gaya, there's no turning back. and now the track of Imli is, चूंकि मैं मालिनी की फैन हूं तो थोड़ा सा मेरे को परेशानी होती है कि मुझे लगता है आदित्य ने गलत किया मालिनी के साथ. अगर आप ज्योति, अगर आप राइटर होते शो के,
तो क्या आप कुछ मतलब क्या ये करंट जो ट्रैक जा रहा है उससे आप खुश हो? आप कुछ और लिखते हो? देखो मेरी बात सुनो, अब राइटर जो भी लिख रहे हैं पब्लिक एंजॉय कर रही है और शो नंबर टू नंबर थ्री पर कंसिस्टेंटली है जब से शो लॉन्च हुआ है, सो आई थिंक राइटर इज डूइंग द बेस्ट. ना मालिनी आदित्य वो लोग बेस्ट पेयर थे. हाँ लेकिन ठीक है ना, कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है. So maybe people will start loving that track also. जो भी राइटर ने सोचा होगा, जो भी वो लिखेंगे. So let's go with the flow. Yeah, exactly. And जैसा flow आप लोगों का चल रहा है, you guys always enjoy making real videos. तो मैं अभी पूछना चाहूंगी कि आपके सेट पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से चिपका कौन रहता है? Who is मतलब चिपको सोशल मीडिया? देखो मुझे है ना, चिपको सोशल मीडिया का इतना मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं शूट करने आती हूँ मेरे तो मतलब इतने फोर्सफुल सीन्स होते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे लाइक आई एम टायर्ड. आई एम लाइक हाँ ठीक है, मैं घर भाग जाती हूँ. द डे आई वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, वी वर देयर फॉर अराउंड से 55-58 डेज. तो वहां पर प्रीत करके एक्ट्रेस है, हु इज प्लेइंग रूपी दीदी कैरेक्टर, तो उसके साथ में मैंने खूब सारे रील्स बनाए, क्योंकि मुझे रील बनाने में मजा आता है, उसे भी मजा आता है. लेकिन हाँ, before going to Hyderabad, there was this little child who was playing the character. I don't remember his character name, लेकिन he was playing Nidhi's son. That is, Imli के परिवार में दो बच्चे थे, एक boy था, एक girl थी. तो जो boy था, so I used to make a lot of reels with that child on set. लेकिन Hyderabad जाने के बाद में फिर मैंने ये रूपाली के साथ खूब सारे reels बनाए हैं. ओके, सो अगर मैं कहूं कि हु इज द मोस्ट फिटनेस फ्रीक गाय इन द सेट, कौन अपने आप को बहुत फिट रखना पसंद करता है? जो फादर्स हैं वो भी काफी फिटनेस फ्रीक है, क्योंकि हैदराबाद में मैं देखती थी कि कितना भी लेट हो जाए शूटिंग के बाद, देन आल्सो दे विल गो फॉर अ यू नो रन और अ जॉग. लेट इट बी यू नो द एल्डर मिस्टर त्रिपाठी यंग, और लेट इट बी मिस्टर चतुर्वेदी. All of them, Aditya to of course fitness freak, his physique shows all of them. Most of them, Sundar bhi jo tha, I used to see him also exercising. So most of them are fitness freaks on our show. Okay, so agar main kahun ki kaun sabse zyada foodie hai, social media ki humne baat kar li, fitness freak ki baat kar li, who is the foodie one? Khane se jisko bahut pyar hai, jo khane ke bahane dhoondta hai. To eat a lot of variety of food. Okay. और उसे 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 बहुत लोग टोकते रहते हैं. उसको देव चतुर्वेदी बहुत टोकता है, उसको आदित्य भी बहुत टोकता है, but she's really too cute. She likes to eat, you know, देव सेव पूरी हो, दही बटाटा पूरी हो या समोसा हो, she likes to like, you know, eat. वो she is health conscious also, but she's a foodie as well. जैसे noodles हो गए, तो उसे बड़ा मजा आता है ये सब variety of food try करने में. तो set में मैंने इसे ध्यान दिया, और भी होंगे लेकिन मुझे नहीं पता. वही हमारी वही है. वही है. What about? कौन? I couldn't hear you. Chatterbox, gossip, बातें. वो कुछ बोलती रहेगी. She's the youngest. बहुत बातें करती हो. She's the youngest on the set. She's barely 17 years. And you know, children at that age, they have so much to talk. So she keeps on talking. She keeps on talking. And she's a very cute child on the set for all of us. We all love her. Okay, okay. So at the end, चूंकि अभी शो तो बहुत लंबा जाना है, मैं आपके कंटिन्यूअस इंटरव्यू लेना चाहूंगी. और इस इंटरव्यू को अगर एंड करें तो आप शो को जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि आगे आप क्या देखने वाले हो? कीप कंटिन्यूइंग, मतलब देखते रहो शो. फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स, ऑल द फैंस हु आर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट टू आवर शो. इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस. यू नो, जब हम देखते हैं, जब टीआरपी आती है और हम बोलते हैं ये इमली इज ऑन नंबर टू, ये इमली इज ऑन नंबर थ्री, एंड वी कीप ऑन होपिंग कि यू नो कि इमली नंबर वन भी होगा, एंड डेफिनेटली होगा. Why not? Because everybody is loving our show since the time the show has started. So I would like to say, please come back.
continue giving the love and support and your blessings to our show. You know, we get a lot more confidence, every character to perform to our best. मैम आप एक छोटा सा हिंट दोगे हमें? बताओ, पूछो। क्या कुणाल मालिनी एक होने वाले हैं? मुझे भी नहीं पता अभी तक। We have to wait for the writer's script when it comes in hand. तब हमें पता चलेगा. Right now even we don't know anything. अब जो scenes आए में हमें नहीं रिवील किया गया है. Okay, okay. Ma'am, it was lovely talking to you. मैं फिर से आपको नए जब नाम पहुंचेगा मैं फिर से इंटरव्यू लेना पसंद करूंगी एंड आपको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ आपके अपडेट्स मुझे मिल जाएंगे. ओके सो थैंक यू इट वाज वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू.